नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी इंसान को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलतफहमी से और ज़्यादा ख़राब होती हैं, अच्छी नहीं होती। हालांकि सोचते तो हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, लेकिन वो अच्छी नहीं होती। जैसे कि आपको बता दें कि भारत की एक गलतफहमी है, वो अपने पड़ोसियों की तो बहुत हेल्प करता है, उनको भारत को लगता है कि वो शायद उसके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जो पड़ोसी देश हैं, और वो हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो एहसान फरामोश हैं, वो भारत की मदद को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना की तो हम बात नहीं करते, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में जब भूकंप आया था तो सबसे पहले इंडिया ही था जिसने अपनी हेल्प पहुँचाई थी, अपनी मदद पहुँचाई थी। उसके बाद जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली बने थे, उन्होंने भारत के साथ कैसे रिश्ते को ख़राब किया था ये सभी को पता है। मतलब कि उन्होंने बॉर्डर तक का इशू रेज कर दिया था, और भारत को तो बिल्कुल उन्होंने यही ठान लिया था कि अब इनके साथ जैसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। तो एक ये रिश्ता भी ख़राब कर लिया उन्होंने, और वो चाइना के बड़े नज़दीक चले गए थे। हालाँकि चाइना ने फिर उनका कई गाँव हड़प लिए नेपाल के, और ओली साहब कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बाद उनकी सरकार भी चली गई, दूसरे आ गए। तो ये तो रहा नेपाल का केस। अगर ऐसे ही हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी एक ऐसे टाइम था जब भारत के नहीं सुन रहा था, पूरी तरह से वो चाइना के फेवर में चला गया था। चाइना ने उसे खूब सारा लोन दिया, लोन देने के बाद अब जब किस्त देने की बारी आई तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं, कैसे देते। तो चाइना ने उनका एक पोर्ट है हम्बनटोटा, उसको 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। सोचिए, उनकी ज़मीन हड़प ली। 99 साल कितने होते हैं वो तो भविष्य में पता लगेगा कि वो वापस जगह उनको देता भी है या नहीं देता चाइना। तो ये थी सिचुएशन, और समय एक ऐसा आ गया था कि श्रीलंका की इकोनॉमी हालत जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उनके पास ज़रा सा भी पैसा नहीं था कि वो अपने देश में बिजली की भी आपूर्ति कर पाए, पेट्रोल डीजल कुछ भी खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि एक समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच, और लाइव मैच में उनके यहाँ लाइट चली गई थी, इतनी ज़्यादा इनके यहाँ शॉर्टेज थी। लेकिन हुआ क्या, भारत ने इनकी मदद करी पूरी तरीके से, पैसे दिए, इनके कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अभी भी ये समझ लीजिए कि श्रीलंका ने पलटी मार ली, और जो चाइना है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस ये लोग अटेंड कर रहे हैं, श्रीलंका के लीडर, ये अभी रिसेंटली की बात है। तो सोचिए, इस तरह के तो ये हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव को भी नया नया शौक चढ़ा है भारत का विरोध करने का। अब आपको बताएं कि मालदीव ने भारत के विरोध तो करना शुरू कर दिया, चाइना के करीब भी जाना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, भारत से तो दूरी बन गई। अब भारत से जब दूरी बन गई तो भारत ने इनको कुछ लोन दे रखा था, अब भारत से जो लोन दिया अब वो वापस भी करना है। अब इनकी वो किस्त देने की बारी आई तो इन्होंने बटरिंग स्टार्ट कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, भारत देश के बारे में कह दिया मालदीव के राष्ट्रपति मौजू ने कि भारत तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये जो आज कह रहे हो, इससे 15 दिन पहले भारत के सैनिकों को वहाँ से निकाल दिया अपने देश से और वापस भेज दिया। इवन चाइना को आपने ऐसी एंट्री दे दी कि चाइना की जासूसी जहाज़ तक आपके यहाँ आ गया और वो भारत की जासूसी कर रहा है। दूसरे नंबर पे खबर तो यहाँ तक की है कि चाइना की मिलिट्री को इन्होंने वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाने तक के लिए जगह दे दी है, प्रोजेक्ट उसका स्टार्ट कर दिया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उसके बाद अब तीसरी चीज़ आई, मालदीव को अब खाने के संकट आ गए, उसको खाना कोई देने वाला नहीं है। बेसिक चीज़ें, एसेंशियल गुड्स जिसको कहते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, प्याज हो गया, दाल, चावल, गेहूं, मतलब इस तरह की चीज़ें, सोचिए कम पड़ गई। तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी देने के लिए, लेकिन भारत भी अब समझदार है, भारत ने इस चीज़ों को समझ लिया है कि मालदीव क्या करने वाला है। तो भारत ने भी इनके साथ वैसे ही किया, इन्होंने मांगा तो भारत ने कहा बिल्कुल देंगे, और इनको दिया भी। लेकिन उसने इन्होंने उसके 3 से 4 गुने चीज़ें मांगी थी जितनी इनको ज़रूरत थी,
तो भारत ने कहा नहीं, सिर्फ 5% ऊपर बढ़ा दिया। अगर कोई ऐसा समझ लीजिए कि इनको 100 अंडे हम देते थे तो 105 अंडे देने स्टार्ट कर दिए, ऐसा समझ लीजिए कि अगर इनको 100 किलो दाल देते थे तो अब 105 किलो दाल कर दी बस। कि लीजिए हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास जैसा आपको चाहिए वैसा हम दे देंगे, ठीक है आपने कहा तो हमने आपकी बात भी रख ली कि ठीक आप ये ले लो, 5% उन्होंने बढ़ा दिया, कम से कम हमारी इम्पोर्टेंस भी तो पता लगे। आप चाइना से क्यों नहीं ले पाते हो? चाइना से भी लेना चाहिए, जब आप चाइना आपके करीब आ चुका है, आप चाइना के करीब आ चुके हो तो क्यों नहीं आप ले पाए, आपको लेना चाहिए। लेकिन चाइना ने मदद नहीं करी, चाइना स्मार्ट है, वो इनको अभी डेट ट्रैप पे अपने फंसा देगा, अभी पहले इनको लोन देगा, खूब सारे कर्जे दे देगा और फिर ये उस कर्जे को वापस नहीं कर पाएंगे और चाइना उसके बदले इनसे ज़मीन ले लेगा, क्योंकि चाइना की रणनीति यही होती है, उसका बस सिंपल सा सोचना है, उसकी थिंकिंग यही है कि कैसे भी करके अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाओ, विस्तारवादी नीति है उसकी, दूसरे की जगह को हड़प लो, अपने को बढ़ा दो, यही चाइना का बेसिकली थिंकिंग है। तो वो यही चीज़ करता है, भारत के साथ भी देखिए सीमा विवाद है, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना मानता है कि वो उसका है, हमारे पास कब्जा है, हम उसमें रह रहे हैं, वो उस जगह का नाम वो बदल देता है चाइना, वो कहता हमारा। अगर यही बात करें चाइना की बॉर्डर लगती है रशिया के साथ भी, ये समझ लीजिए कि जो बॉर्डर लगती है रशिया के साथ उसमें से भी कुछ जगह ऐसी हैं जो ये बोल देता है चाइना की ये हमारी है, मतलब उस पर भी समझ लीजिए उधर भी लड़ाई है। तो चाइना से रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं तो उसकी विस्तारवादी नीति से सब परेशान है और ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों अच्छी बात यह कि भारत को भी सद्बुद्धि आई है, थोड़ा सा इन्होंने अपने ऊपर वर्कआउट किया है, कम से कम 5% पे ही रुक गए, देना भी ज़रूरी है, ठीक है दे दिया, एसेंशियल सामान है क्योंकि वहाँ की जनता को तो देना ही पड़ेगा, कहीं के भी जनता हो उसको खाने के लिए तो मिलना ही चाहिए, तो भारत ने दिया ये अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं दिया जितना उनकी ज़रूरत थी, बस जो मांगा उसे 5%, मतलब जितनी हम सप्लाई करते थे बस 5% ऊपर दे दिया कि ठीक है, क्योंकि हम इनके साथ कुछ भी कर दें इनसे मिलना हमको वही है, ये हमें गाली देंगे, ये हमें उल्टा सीधा कहेंगे, ये कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। तो अभी क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मायू, इनकी राजनीति भारत विरोध पर है, बस ये यही दिखा रहा है भारत विरोध और उसी पे आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों ये तो अभी की न्यूज है, अब इस पे कुछ और डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।